साहब आप बोलना चाह रहे हैं? जी सर, इजाजत जी, 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। मैं मखतूम ताहिर राशिदीन साहब को इस हाउस का मेंबर बनने पे मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं पंजाब के अवाम, रहीम यार ख़ान के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को कामयाब करवा के भारी अक्सरियत से कामयाब करवा के नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को शिकस्त दिलवाया है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब का तंजीम को नेशनल असम्बली का फ्लोर पे खड़ा होके मुबारकबाद देना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, ये मेरे वो सिपाही हैं जो जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करके झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से मुंतखब होकर यहां पहुंचे। जनाब स्पीकर, ये वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं। ये जो मेरे साथी यहां मौजूद हैं, मैं तो चाहता हूं कि हम मिलके ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इस तरह ना करें। सियासत अभी आपके भी 6 मेंबरान ने बोलना है क्वेश्चन आर के बाद। जमुई सफर में साथ चले, हम अपना सियासत को फाल करें, सदारा को फाल करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय करें, मगर उससे पहले एक बुनियादी बात तय करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में क्या वो जो हारते हैं वो हार मानने के लिए तैयार है और जीत को कबूल करने के लिए तैयार है, या यही सियासत रहेगा कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली। अगर हमने जमहूरियत को आगे लेके बढ़ना है तो अवाम के फैसले पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले पे एतमाद करना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो सियासी जमातों ने मिलकर ये इलेक्शन हमारे साथ चले, हमारे सियासी इत्तेहादी, हुकूमती इत्तेहादी और वो आज़ाद उम्मीदवार के भी शुक्रगुजार हों जिन्होंने सब एक होके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं हैं। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस। Order in the house. उसमें Order in the house. उसमें ये लोग हारते हैं और एतिहादी जमातें जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, या आप मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या यह वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बत डायरेक्शन में चल रहे थे। जनाब स्पीकर, हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। उस औहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदाना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया, अगर खान साहब ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि यह ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है। जनाब स्पीकर, ये जो इल्जामात का लगे हैं, दिस इज अ पैटर्न ऑफ एन एक्सरसाइज दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द डेज ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। जनाब स्पीकर, तब से जब हमने एक आईनी जमहूरी कदम उठाने की कोशिश किया कि हम वजीर आजम को ना किसी अदालत के फैसले से, ना किसी और अदारा के फैसले से, हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। उसी वक्त जनाब स्पीकर, कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया, और वो साजिश एक ऑन गोइंग कू अटेम्प्ट था। जनाब स्पीकर, उस कू अटेम्प्ट का पहला हमला उसको अटेम्प्ट का पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। उसको अटेम्प्ट का दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। उस ऑनगोइंग टू का तीसरा हमला कि किसी न किसी तरीके से इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मुताबिक जनाब स्पीकर, मीडिया एंकर्स को लॉन्च किए गए, सियासतदान को लॉन्च किए गए और अपना ही आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश जारी था कि जो भी हो, यह शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया जनाब स्पीकर। फिर उसने मिलके उसी इदारे के अहम शख्सियात के साथ मिलके ये साजिश करने की कोशिश की कि इस आईनी प्रोसेस को सैबोटाज करें और यह साजिश वहां रुकता नहीं है जनाब स्पीकर। मैं उससे टाइम से पहले बात नहीं करना चाहूंगा, मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूं, मुझे डिटेल शायद नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45 फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। कुछ वो साजिश जिसने पहले अदम एतमाद को रोकना था, फिर चीफ का अपॉइंटमेंट को रोकना था, उस साजिश ने इस इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने थे जनाब स्पीकर। और जब वो सबूत सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने अवाम में दिखा सकेंगे, उनको आइन और कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर इस बात पे जोर देता कि जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सोचना चाहिए कि ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम बयान, एक्सट्रीम मौकिफ क्यों और कैसे लिया जाता है। ये सवाल हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को अपने आप से भी पूछना चाहिए, मगर मैं पीटीआई से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात पे आपका अपना पार्टी में ये तहकीकात करें, आप पता करें कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में हैं, जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपके मिसाइल में इजाफा होते हैं और पाकिस्तान के मिसाइल में इजाफा होते हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी, क्वेश्चन आवर हमने